छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार आगजनी मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को अरेस्ट करने के विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और विधायक को जल्द से जल्द रिहाई दी जाने की मांग की। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान जगदलपुर की पूर्व विधायक रेखाचंद जैन ने कहा कि साय सरकार रिमोट वाली सरकार है। इस सरकार ने पिछले 8 महीने में जितने भी निर्णय लिए हैं उससे समाज के सभी वर्गों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि बलौदा बाजार में कानून व्यवस्था बिगड़ती रही और शासन प्रशासन खामोश रहे और अब साजिश रचकर विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोई भी संगठन सरकार से खुश नहीं है। वहीं उन्होंने देवेंद्र यादव की रिहाई तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। साथ ही बलौदा बाजार कलेक्टर और SP कार्यालय में आग लगाने की घटना को राज्य के लिए कलंक बताया। आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय में प्रदेश की साय सरकार और केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से जन विरोधी निर्णय ले रही है उसके विरोध में यह हमारा धरना प्रदर्शन आज दंतेवाड़ा में भी हुआ है। और आज के इस धरना प्रदर्शन का प्रमुख विषय जो है ये बलौदा बाजार की जो घटना घटी कि शासन प्रशासन सरकार अपनी नाकामी अपनी बदनामी को छुपाने के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करती है, वहाँ के युवा कांग्रेस NSUI के साथियों को गिरफ्तार करती है। ये अलोकतांत्रिक है और इस तरीके से साजिश रच के किसी को फंसाना है इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस विषय को लेकर धरना था। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।